नमस्कार, मैं खुशवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 नवंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज होगा मोकामा गोपालगंज विधानसभा सीट पर कुल 15 प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला। प्राकृतिक वनों को जल संकट से बचाने की योजना लागू। शारीरिक शिक्षक के रिक्त पड़े सीटों की शिक्षा विभाग ने मांगी रिपोर्ट। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर युद्ध स्तर पर हो रही घाटों पर व्यवस्था। आज भारत जिम्बाब्वे के बीच होगा सुपर 12 का आखिरी मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ITBP ने 293 रिक्तियों के लिए जारी किया भर्ती अधिसूचना। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ग्रुप सी नन गैजेटेड के कुल मिलाकर 293 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को क्लास 10 या 10+2 या ITI या डिप्लोमा पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन की तारीख 30 नवंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.itbpolice.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। आज होगा मोकामा गोपालगंज विधानसभा सीट पर कुल 15 प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला। बिहार में विधानसभा की 2 सीट मोकामा और गोपालगंज पर उपचुनाव की मतगणना की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को मोकामा और गोपालगंज सीटों पर कुल 52.38% मतदान हुआ। वहीं प्रत्याशियों के साथ साथ जनता की उत्सुकता आज देखा जा सकता है। आज होने वाली मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिहार निर्वाचन विभाग के मुताबिक दोनों विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए काउंटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा को लेकर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। बता दें कि एक और जहां मोकामा विधानसभा उपचुनाव में कुल 6 प्रत्याशी आमने सामने हैं, वहीं गोपालगंज में कुल 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव का परिणाम आज दोपहर तक आ जाने की उम्मीद है। मतों की गणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। IIT पटना बिहार सरकार के अधिकारियों को करेगा प्रशिक्षित। IIT पटना डेटा सिक्योरिटी के क्षेत्र में बिहार वित्त सेवा के वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहा है। यह ट्रेनिंग पिछले 5 नवंबर से शुरू हो गई है जो कि अगले 9 नवंबर तक चलेगी। इसमें वाणिज्यिक कर विभाग के विभिन्न सर्कल एवं मुख्यालय के 40 पदाधिकारियों को ब्रॉड एरियाज ऑफ डाटा एनालिसिस विद द टेक्निक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग एंड सिक्योरिटी संबंधी एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य वित्त सेवा के अधिकारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग एंड डाटा सिक्योरिटी के विभिन्न जानकारियों को देना है। प्राकृतिक वनों को जल संकट से बचाने की योजना लागू। दक्षिण बिहार में बढ़ते जल संकट की वजह से प्राकृतिक वन भी प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि इसके लिए वन एवं पर्यावरण विभाग ने जल संकट से बचने के उपायों में जुट गई है। इसके लिए विशेष कार्य योजना तैयार की गई है जिसके तहत भूजल रिचार्ज करने के लिए प्राकृतिक वनों में गार्डलैंड ट्रेंच का निर्माण किया जाएगा। यह योजना पहले चरण में रोहतास, नवादा और बांका में लागू होगा। बताते चले कि दक्षिण बिहार में सूखे से निपटने के लिए गार्डलैंड ट्रेंच बनाने की योजना पर पहले से काम हो रहा है। ये पहाड़ और पठारी इलाकों में जल संचय के लिए बनेंगी। लघु इसके लिए 2.67 करोड़ यानी 2,67,00,000 की योजना की मंजूरी दी गई है। यहां के प्राकृतिक वनों में गार्डलैंड ट्रेंच बनाकर भू जल स्तर को बढ़ाया जाएगा। बता दें कि दक्षिण भारत अभी जल संकट की चपेट में है। लगातार जल स्रोत सूख रहे हैं जिसमें भारी संख्या में नदियां भी शामिल हैं। सोनपुर का मेला इस वजह से है बेहद खास। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा नवंबर दिसंबर महीने में लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है जबकि स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला पुकारते हैं। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के बाद शुरू होता है। एक समय था जब इस पशु मेले में मध्य एशिया में कारोबारी आया करते थे। अब भी यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। सोनपुर पशु मेला में आज भी नौटंकी और नाच देखने के लिए भीड़ उमड़ती है। एक जमाने में यह मेला जंगी हाथियों का सबसे बड़ा केंद्र था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल सम्राट अकबर और 1857 के गदर के नायक वीर कुंवर सिंह ने भी यहाँ से हाथियों की खरीद की थी। सन 1803 में रॉबर्ट क्लाइव ने सोनपुर के घोड़े के बड़ा अस्तपल भी बनवाया था। इस साल यह मेला आज यानी 6 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। नीतीश कुमार ने राजगीर स्थित नवनिर्मित गुरुद्वारा का किया उद्घाटन। बीते दिन सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी महाराज का
554वां प्रकाश पर्व महोत्सव का राजगीर में समापन हुआ। वहीं 3 दिवसीय प्रकाशोत्सव के समापन समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को राजगीर पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवनिर्मित गुरुद्वारा के नए भवन और यात्री निवास का उद्घाटन किया। इसके बाद सीएम नीतीश गुरुद्वारा पहुंचे और गुरु के दरबार में मत्था टेका और बिहार में अमन चैन की कामना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजगीर सभी धर्मों की स्थली रही है। राजगीर में पर्यटकों की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। शारीरिक शिक्षक के रिक्त पड़े सीटों की शिक्षा विभाग ने मांगी रिपोर्ट। बिहार के माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक की बहाली का राह देख रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। बिहार में कुल 8386 मध्य विद्यालयों में से करीब 6000 स्कूलों में खाली रह गए सीटों पर पुनः बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय नए सिरे से जल्द आवेदन मांगेगा। वहीं प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से सोमवार 7 नवम्बर तक रिक्त रह गए सीटों की रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि इसी साल के शुरुआत में शिक्षा विभाग ने 8386 मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशकों के एक एक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा था, लेकिन इन पदों में महज 2350 पद ही भरे जा सके। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे यशवंत सिन्हा की। 6 नवंबर 1937 को राजधानी पटना में जन्मे यशवंत सिन्हा एक भारतीय प्रशासक और राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के तहत 1990 से 91 तक और फिर मार्च 1998 से जुलाई 2002 तक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के तहत वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने जुलाई 2002 से मई 2004 तक विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया। 21 अप्रैल 2018 को पार्टी छोड़ने से पहले वह भाजपा के एक वरिष्ठ नेता थे। मार्च 2021 में वह AITC में शामिल हो गए। हालांकि उन्होंने जून 2022 में छोड़ दिया क्योंकि उन्हें संयुक्त विपक्षी दलों द्वारा 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था, लेकिन NDA की द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ वह चुनाव हार गए। उन्होंने 1962 तक पटना विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र भी पढ़ाया है। बिहार के रेल यात्रियों को जल्द मिलेगी वंदे भारत की सौगात। बीते दिन पूर्व रेलवे के GM अरुण अरोरा ने मालदा डिवीजन के DRM सहित रेलवे के कई वर्गीय अधिकारी के साथ मालदा से निरीक्षण शुरू कर विभिन्न स्टेशन से होते हुए भागलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रेलवे ने पिछले साल लोडिंग सहित रेवेन्यू के मामले में कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि इस साल भी रेलवे के बेहतर करने की उम्मीद है। वहीं भागलपुर से राजधानी ट्रेन और वंदे भारत को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्होंने दोनों ट्रेनों के लिए रिकमेंड कर दिया है। अगले साल से दोनों ट्रेन यहाँ से चलेंगी। पटना हाईकोर्ट के वरीय न्यायाधीश का सुझाव, कोरोना से चले आ रहे SOP को बदले। पटना हाईकोर्ट के वरीय न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह ने एक महत्वपूर्ण आदेश में मुख्य न्यायाधीश संजय करोल को सुझाव देते हुए कहा कि कोरोना महामारी के समय से चले आ रहे SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अब तक जारी रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। उन्होंने कहा कि अदालती कार्यवाही से सार्वजनिक पहुँच को दूर नहीं रखा जा सकता जब तक असाधारण परिस्थितियाँ न हो। उन्होंने कोरोना की स्थिति में नियंत्रण के मद्देनजर उक्त आदेश दिया है। 7 नवंबर को लगेगा मुख्यमंत्री का जनता दरबार। त्योहारों की छुट्टियों के बाद अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी 7 नवंबर को पड़ने वाले सोमवार को अपना जनता दरबार लगाएंगे। इसको लेकर कैबिनेट सचिवालय ने आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा है कि कोविड टीका प्राप्त व्यक्ति को ही प्रवेश मिलेगा। महीने का प्रथम सोमवार होने के नाते सामान्य प्रशासन, गृह, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मध्य निषेध विभाग, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, निगरानी विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग आदि संबंधित शिकायतें सुनी जाएंगी। बता दें कि जनता दरबार में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। महावीर मंदिर में निकली नौकरी की वैकेंसी। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल पटना के महावीर मंदिर में सुपरिटेंडेंट, सीनियर अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर और लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती के लिए नियुक्ति निकली है। इसकी जानकारी आपको महावीर मंदिर के आधिकारिक वेबसाइट mahavirmandirpatna.org या ऑनलाइन एप्लीकेशन या upload-form.php पर मिल जाएंगी। वहीं अलग अलग पदों पर नौकरी के लिए अलग अलग योग्यता की जरूरत है। इससे संबंधित जानकारी मंदिर के आधिकारिक साइट पर उपलब्ध है। आवेदन ऑनलाइन और डाक के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। प्रदेश में हवा ने बदला अपना रुख। बिहार के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। ठंड को लेकर मौसम उतार चढ़ाव जारी है। कभी 2 डिग्री सेल्सियस पारा गिर रहा है तो कभी 2 डिग्री सेल्सियस पारा चढ़ रहा है।
ग्रामीण इलाकों में धुंध और कोहरे की स्थिति लगातार बढ़ रही है। शहरों में भी सुबह में कुछ देर के लिए कोहरा दिख रहा है, इसके बाद मौसम पूरी तरह से साफ रह रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 5 दिनों बाद मौसम में बड़ा बदलाव दिखेगा। इस दौरान डॉक्टर्स का कहना है कि बुजुर्गों और बच्चों को मौसम में हो रहे बदलाव को लेकर सावधान रहना होगा। हवा का रुख बदलने से पटना सहित पूरे राज्य में मौसम में बदलाव जारी है। उत्तर पछुआ की जगह अब राज्य में कई इलाकों में पूर्वा हवा बह रही है, जिसकी वजह से शहरों में मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस में सीएम नीतीश ने कहा, हम भी इंजीनियर हैं। बीते दिन राजधानी पटना के ज्ञान भवन में आयोजित की गई 101वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम भी इंजीनियर हैं, नौकरी मिल रही थी लेकिन किया नहीं, आंदोलन में कूद पड़े। हमने बिहार में कई काम किए हैं, कई बिल्डिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बनवाया है, आप सभी वहां जाकर जरूर देखें और अपनी राय दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार गरीब राज्य है, इसके बाद भी हमने कई काम किए हैं। इंजीनियरों को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि आप जहां हैं उसके बगल में बापू सभागार हम लोगों ने बनवाया है, वहां एक साथ 5,000 क्षमता का सभा भवन है, इतना बड़ा भवन पूरे देश में कहीं नहीं है। बता दें कि इस टेक्निकल सेमिनार में मुख्यमंत्री सहित उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। नेहा सिंह राठौर का नया गीत गुजरात में काबा। बिहार में काबा गीत गाकर चर्चे में आए बिहार की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने अब गुजरात विधानसभा चुनाव को देखकर हुए गुजरात में काबा गीत लेकर आई हैं। उन्होंने अपना यह गीत सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर साझा किया है, जिसमें एक पंक्ति हाल ही में मोरबी हादसे को लेकर भी है, जिसमें नेहा ने लिखा है और गाया है कि लोग मरतबा डूब डूब के साहेब के सभवा जारी बा, गलती सब मरने वालों की गंडा भारी बा। गौरतलब है कि हाल ही में गुजरात में मोरबी ब्रिज गिरने से कई लोगों की मौत हो गई थी। मोरबी में मच्छू नदी पर रविवार 30 अक्टूबर के दिन पुल की केबल टूटने से यह हादसा हुआ था, जिसमें 135 लोगों की जान चली गई। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर युद्ध स्तर पर हो रही घाटों पर व्यवस्था। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा महत्व होता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा इस बार 2 दिन 7 और 8 नवंबर को मनाई जाएंगी। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन त्रिपुरासुर के वध से प्रसन्न होकर देवताओं ने काशी में दीप जलाए थे, इसलिए इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान दान का विशेष महत्व है। इस दिन मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। इसको लेकर पटना नगर निगम द्वारा तैयारियां भी युद्ध स्तर पर की जा रही है। गंगा घाट पहुंच पथ के निर्माण के साथ मिट्टी का समतलीकरण, घाटों की सफाई और बैरिकेडिंग की जा रही है। इसके साथ ही सभी घाटों पर प्रकाश व्यवस्था के लिए लाइटों का अधिष्ठापन एवं मेंटेनेंस भी किया जा रहा है। डिप्टी सीएम रहते पहली बार तेजस्वी यादव करेंगे सोनपुर मेले का उद्घाटन। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर का मेला, जिसे हरिहर क्षेत्र का भी मेला कहते हैं, इस साल सोनपुर के मेले का उद्घाटन आज होने जा रहा है, जो कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव करेंगे। मेले की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। वहीं मेले में हर रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कश्मीरी गर्म कपड़े भी लेकर आए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भी सोनपुर मेले में अपना स्टॉल लगा रहा है। वहां गांवों का डिजिटलाइज्ड नक्शा भी बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा। विधिवत तरीके से मेला 1 माह तक चलेगा। वहीं गंगा स्नान और सोनपुर मेले को लेकर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से 2 दर्जन से अधिक बसें चलाई जाएंगी। इससे मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार से सोनपुर मेला जाने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। बताया गया है कि विभाग की ओर से आज 4 बसें चलाई जा रही हैं, जो मुजफ्फरपुर से 3 बार अप एंड डाउन करेंगी। बस इमली चट्टी बस स्टैंड से सुबह 6 बजे से चलेंगी। खास बात है कि किराए में भी छूट दी जाएगी। मुजफ्फरपुर के अलावा सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, छपरा समेत अन्य डिपो से मिलाकर करीब 2 दर्जन से अधिक बसों का परिचालन किया जाएगा। विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर सुशील मोदी का लालू नीतीश पर जुबानी हमला। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर सुशील मोदी ने लालू नीतीश को लपेटे में लिया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कहना है कि जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ताकतवर केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, तब ये दोनों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवा पाए। सुशील मोदी का कहना है कि जब नीतीश कुमार के कहने पर बनी रघुराम राजन कमेटी और 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट विशेष राज्य की अवधारणा को ही नकार चुकी है, तब इस घिसी पिटी मांग का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार को 1.5 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, वो विशेष दर्जा मिलने से कई गुना ज्यादा अधिक फायदेमंद है।
वायु प्रदूषण पर नीतीश का केजरीवाल पर पलटवार। बिहार के वायु प्रदूषण पर केजरीवाल के एक ट्वीट ने सियासी बहस छेड़ दी है। दरअसल दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के वायु प्रदूषण की तुलना बिहार के वायु प्रदूषण से की थी। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा है कि दिल्ली के बराबर ही बिहार में भी वायु प्रदूषण है। इसको लेकर अब महागठबंधन सरकार केजरीवाल पर हमलावर है। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में मैंने हमेशा से लोगों को अलर्ट रखा है, उन्हें हमेशा से समझाया है कि जलाने का काम मत करिए। अब केजरीवाल को ये समझाना चाहिए कि बगल में अगर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो उसका असर पड़ोसी राज्यों में भी होगा। आरसीपी सिंह ने ललन सिंह को दिखाया आईना। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने जदयू के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को आईना दिखाने की कोशिश की है और कहा है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह आज जो सीना तानकर घूम रहे हैं वह एनडीए की देन है। मुंगेर लोकसभा में उनका अपना कोई जनाधार नहीं है। इस बार के लोकसभा चुनाव में उनकी जमानत जब्त होने वाली है। मुंगेर के एनडीए कार्यकर्ताओं की देन है कि ललन सिंह वहां के सांसद बने। 2024 में ललन सिंह को जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। मुंगेर में ललन सिंह का जनाधार 0/0 है। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, बिहार के साथ हो रहा भेदभाव। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का आरोप है कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से केंद्र सरकार बिहार के साथ भेदभाव कर रही है। केंद्र सरकार बिहार को केंद्रीय सहायता राशि देने में भेदभाव कर रही है। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो हमारा राज्य टॉप 5 राज्यों में पहुंच जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें बिहार सबसे आगे है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसमें अगर केंद्र सरकार भी सहयोग कर दे तो बिहार काफी आगे चला जाएगा। भारत जिम्बाब्वे के बीच होगा सुपर 12 का आखिरी मुकाबला। रविवार यानी आज 6 नवंबर को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 के सुपर 12 चरण का अंतिम मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच मेलबर्न के मैदान पर खेला जाएगा। एक और जिम्बाब्वे जहां टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है तो दूसरी ओर भारत सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर चुकी है। ऐसे में इस मुकाबले का कोई रणनीतिक महत्व नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से दोनों टीमों के लिए यह मैच बेहद ज़रूरी है। टीम इंडिया यह मुकाबला जीत कर सेमीफाइनल में पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रवेश करना चाहेगी और जिम्बाब्वे भी इस मल्टीनेशन टूर्नामेंट को जीत के साथ खत्म करने की योजना बना रहा होगा। यह मुकाबला आज दोपहर 1:30 से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होना है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। लोकसभा सदस्य यशवंत सिन्हा का जन्म 1937 में हुआ। हिंदी फिल्म अभिनेता संजीव कुमार का निधन 1985 में हुआ। पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थ शंकर राय का निधन 2010 में हुआ। गांधी जी ने बैरिस्टर का प्रशिक्षण लेने के लिए 1888 में लंदन के इनर टेम्पल में प्रवेश लिया। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीतियों के खिलाफ 1913 में द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया। महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और वैज्ञानिक प्रोफेसर CNR राव को 2013 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की गई। ज्योति बसु ने 2000 में लगातार 23 वर्षों तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहने के बाद पद छोड़ा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2008 में प्रधान ब्याज दर GLR और जमादारों की कटौती की घोषणा की। वायरल खबर में आज बात होगी सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा भेजे जा रहे ईमेल के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा भेजे जा रहे मेल के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नाम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विषय पर एक ईमेल भेजा जा रहा है। PIB ने आगे लिखा है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इससे जुड़े किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई ईमेल नहीं भेजा गया है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे किसी भी ईमेल के साथ ना हो। व्हाट्सएप से फोटो भेजने पर ऐसे नहीं होगी क्वालिटी खराब। मेटा की ऑनरशिप वाली ऐप ने सेटिंग्स में यूजर्स को एक डेडिकेटेड फोटो अपलोड क्वालिटी सेक्शन दिया है। यहाँ यूजर्स चुन सकते हैं कि वे अपने दोस्तों और कॉन्टैक्ट्स को बेस्ट क्वालिटी में फोटोज भेजना चाहते हैं या नहीं। यही दूसरा विकल्प डाटा सेवर नाम से दिया गया है। डाटा सेवर का चुनाव करने वालों की फोटोज कंप्रेस कर दी जाएगी और ऐप चैटिंग के दौरान ज्यादा डाटा इस्तेमाल नहीं करेगी। तीसरा विकल्प ऑटो का मिलता है, यानी कि नेटवर्क क्वालिटी के हिसाब से ऐप खुद तय करेगी किस फोटो को बेस्ट क्वालिटी में भेजना चाहिए या नहीं। ध्यान रहे, बेस्ट क्वालिटी में भेजे गए फोटो का साइज ज्यादा होगा और इन्हें अपलोड या डाउनलोड करने में भी ज्यादा वक्त लगेगा। फोटो क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते हैं तो पहला बेस्ट क्वालिटी विकल्प चुनना अच्छा रहेगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार,
मनोज कुमार, आयुष कुमार, उमेश चौधरी, संजय पंडित, मंगिता भारती, राहुल कुमार, रोहित कुमार, जेके सिंह, सुशील कुमार, विनोद पांडे और सोनम देवी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार भारत बनाम जिम्बाब्वे मुकाबले में भारतीय टीम में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। अपना जवाब हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।